हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के एक नए वीडियो में जिसमें मैं हूँ आपका दोस्त जितेंद्र। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले PMAY प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ये योजना क्या है, कब से स्टार्ट हुई है और सबसे मेन चीज़ दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना का एक ही लक्ष्य है कि हमारे पूरे भारत में सबको अपना घर मिले। प्रधानमंत्री आवास योजना का प्रारंभ 25 जून 2015 को श्री नरेंद्र मोदी जी ने, भारत के प्रधानमंत्री जी ने ये योजना लागू की, जिसका एक ही सपना था कि हमारे देश के सभी लोगों को अपना घर मिले। इस योजना में दो भाग किए गए हैं, एक शहरी दूसरा ग्रामीण। तो इस बारे में हम लोग अब डिटेल में चर्चा करेंगे। शहरी और ग्रामीण रिपोर्ट्स कहते हैं दोस्तों कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1 करोड़ से भी ज़्यादा शहरी लोगों को घर मिला है। और ग्रामीण की बात कीजिए तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2.85 करोड़ लोगों को, मतलब कम से कम 2.5 से 3 करोड़ इतने लोगों को ग्रामीण घर मिले हैं, या तो फिर सरकार की ओर से बांध काम करके ही घर मिले। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है दोस्तों, सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना का बहुत ही लोगों को फ़ायदा हुआ है। दोस्तों, मैंने खुद ने प्रधानमंत्री आवास योजना का फॉर्म भरा था दोस्तों, इस टॉपिक पे भी थोड़ा डिस्कस करेंगे दोस्तों। दोस्तों, एक सवाल फिर भी दिमाग में आ रहा है कि जिन लोगों को सही में ज़रूरत है प्रधानमंत्री आवास योजना की, उन लोगों को घर मिला है या नहीं? और जिसे ज़रूरत नहीं है, जिसका खुद का घर होने के बावजूद भी प्रधानमंत्री आवास में घर मिला है, तो ये भी एक सोचने वाली बात है दोस्तों। तो हालांकि मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना का मैंने खुद ने फॉर्म भरा था दोस्तों, आज से 8 से 9 महीने पहले, जिसमें 20,000 रुपये डिपॉजिट DD बना के दी थी, जिसमें मेरे 6 या 8 महीने बाद उसका ड्रॉ हुआ। ड्रॉ होने के बाद दोस्तों मेरा तो नंबर नहीं लगा दोस्तों, क्योंकि मैं तो रेंटेड रहता हूँ, सब कुछ डॉक्यूमेंट्स वैलिड थे, फिर भी मुझे घर एलोकेट नहीं हुआ है। इसीलिए क्योंकि मेरा तो वेटिंग में नंबर आ गया था दोस्तों, 389 वेटिंग में नंबर था। अगर नंबर लग जाता प्रधानमंत्री आवास योजना का तो नसीब दोस्तों, बट लग बाय चांस। और सरकार ने जो ड्रॉ प्रोसीजर थी उसमें 2 या 3 ही घर दिखाए थे उस दिन, बाकी तो मैसेज आया, मैसेज में वेटिंग आया, तो उसकी वजह से मेरा तो घर नहीं लगा प्रधानमंत्री आवास योजना में दोस्तों। तो आपका लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताएगा दोस्तों, ये स्कीम अच्छी है, मेरे हिसाब से तो अच्छी है, बट कुछ कुछ चीज़ों की वजह से ये स्कीम लॉस है। मेरा अनुभव है दोस्तों, मैंने खुद ने फॉर्म भरा था प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। तो दोस्तों, आप बताइएगा कमेंट में। तो आगे आइए, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट देखते हैं क्या। दोस्तों, अब कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ कि प्रधानमंत्री योजना का फायदा क्या है, लाभ क्या है। सबसे पहला लाभ है सब्सिडीज लोन। इस योजना के तहत घर जो हमें घर मिला है प्रधानमंत्री योजना का, घर इंटरेस्ट रेट में जिसे 5 लाख का घर है तो उसमें सब्सिडी मिली है, जो लोन की भरना, लोन के साथ साथ सब्सिडी अप्रूवल होती है। दूसरा फायदा है अफोर्डेबल हाउसिंग। सरकार ने बिल्डर्स के साथ मिलकर अफोर्डेबल हाउसिंग बनाई है, जो आम आदमी के बजट में होती है, बहुत ही कम रेंज में ये फ्लैट्स मिलते हैं प्रधानमंत्री। तीसरा फायदा है एक नया जीवन। जिन्होंने कभी अपना घर नहीं देखा हो, अपने सपनों का घर नहीं देखा हो, उनको मौका मिला है कि अपना खुद का घर मिल सकता है। जैसे कि मैंने बताया, मैंने अपना खुद का घर का फॉर्म भरा था बट मेरा नंबर नहीं लगा, और मैं गुजरात में रहता हूँ, जनरल कैटेगरी में, इसीलिए शायद से मेरा नंबर नहीं लगा दोस्तों। तो कास्ट होगी तो उनका नंबर तुरंत लग जाता है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। अब बात करते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना कितनी सफल है और कितनी विफल है। कुछ रिपोर्ट्स है दोस्तों मेरे पास उस हिसाब से कि प्रधानमंत्री आवास योजना फायदेकारक है। PMAY ने लाखों लोगों को घर दिया है, जिसमें से उन्हें अपना खुद का घर मिला है। लेकिन हर सरकारी योजना की तरह इसमें भी कुछ चैलेंजेस है, जिससे डिले और पेपर वर्क इशू की वजह से ओवरऑल ये योजना उन लोगों के लिए फायदेकारक रही है जिन्होंने अपना घर का सपना देखते हैं, समझ रहे हो दोस्तों। और प्रधानमंत्री आवास योजना ने देश के अनेक लोगों को अपना पूरा सपना, जो अपना सपने को घर है वो मिला है, उसकी वजह से
और फ़ायदा भी तो हुआ ही है, बहुत सारे लोगों को अपना घर मिला है। मैं कुछ वीडियोस भी दिखाना चाहूँगा दोस्तों कि कैसी बिल्डिंग बनती है प्रधानमंत्री आवास योजना की और कैसा फ्लैट है, ये सब मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा दोस्तों। तो मेरा पर्सनल अनुभव है, मैंने फॉर्म भरा था, नंबर नहीं लगा, जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको, जनरल कैटेगरी सबसे मेन चीज़। और मैंने अपने मॉम के नाम पर फॉर्म भरा था, हम रेंटेड रहते तो उसकी वजह से थोड़ा सा ऊपर नीचे तो हो गया दोस्तों, बट हमारा नंबर नहीं लगा। आपका नंबर लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों लाभदायक तो योजना है, मेरे हिसाब से तो अच्छी योजना है, जिसको अपना घर चाहिए, हमारा लक्ष्य कि मुझे अपना खुद का घर चाहिए, तो ये योजना सस्ता घर और बेस्ट घर, जहाँ पर बिल्डिंग में बहुत सारे फ्लैट्स होते हैं, उनका जो फ्लैट्स का जो अंदर का जो साइज़ है वो भी बड़ा होता है। मैं खुद देखा हूँ दोस्तों ऐसे फ्लैट्स, बिल्डिंग भी अच्छे से बनवाई जाती है सरकार की ओर से, बट कुछ कुछ चीज़ों की वजह से ये योजना मार खा रही है दोस्तों, प्रधानमंत्री योजना। तो जिसको लाभ मिला है कमेंट बताइए, जिसको नहीं मिला है वो भी कमेंट में बताइए। और मैं चाहता हूँ कि सबको अपना घर मिले, और सरकार की ये योजना बहुत ही फायदेकारक है। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लीजिए दोस्तों, जिनके पास घर नहीं है वो फॉर्म भरिए, जहाँ पर ये योजना चल रही है, जहाँ पर बिल्डिंग बन रही है, ऑब्जर्व कीजिए, फॉर्म भर के दे दीजिए। मैंने 20,000 भरे थे बट मुझे नंबर नहीं लगा दोस्तों, वेटिंग है, अभी देखते हैं कब नंबर लगेगा, लक बाय चांस। सो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। और सबसे मेन चीज़ दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना बेस्ट स्कीम है, तो अगर आपके पास रेंटेड घर है तो फॉर्म भर दीजिए और इस योजना का लाभ लीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, जय हिंद।